दोस्तों, हम सभी ने कई गांव, शहर, ढाणी तथा इलाकों के अनोखे नाम सुने होंगे, मगर हम उनके नामकरण के पीछे के रहस्यों को नहीं जानते। तो आइए आज जानते हैं एक ऐसे ही विचित्र अनोखे गांव, डाकन कोटड़ा की अनोखी कहानी। मगर उससे पहले अपना दिल हाथ से थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ आमना सामना हुआ था महाराणा प्रताप तथा डाकनों का। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप और मुगल अकबर के मध्य युद्ध चल रहे थे। एक ओर अकबर महाराणा प्रताप के साथ संधि कर मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा था, मगर दूसरी ओर महाराणा ने गुलामी की दास्तां को नकार कर जंगलों तथा पहाड़ों की ओर गमन किया। इसी दौरान महाराणा ने डाकन कोटड़ा, जिसका पूर्व नाम कोटड़ा था, इसमें अपना डेरा डाला। उन्होंने इसी गांव के काला मंगरा के इस दुर्गम पहाड़ में अपने रहने का ठिकाना बनाया। यहां पर उन्होंने कुछ कमरे तथा लगभग 50 फीट चौड़ा पत्थरों से मार्ग बनाया, जो कि आज के आधुनिक युग में स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। दोस्तों, यहीं से आरंभ होती है कोटड़ा से डाकन कोटड़ा होने की कहानी। मेवाड़ रियासत के समय उदयपुर से सलुम्बर जाने का मुख्य मार्ग डाकन कोटड़ा के मुख्य गाँव के अंदर से होता हुआ केवड़ा की नाल निकलता था, जो सलुम्बर जाता था। केवड़ा की नाल में चार दीवारी के साथ ही एक दरवाजा भी था, जो नए रास्ते के आधुनिकीकरण के कारण खंडर हो गया। किवांदित ये भी है कि महाराणा प्रताप अमावस्या की गहरी अंधेरी रात में दक्षिण पश्चिम के घने जंगल में इसी गांव कोटड़ा से होते हुए काले मंगरे की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में तालाब की पाल पर उन्हें बड़ी रहस्यमय आवाजें सुनाई देती है। वहां उन्होंने देखा कि तालाब की पाल पर बहुत सारी डायने अंधेरी रात में तंत्र मंत्र कर रही थी। उन चार डाकनों में से जो उनकी मुखिया थी, वो महाराणा को रोकती है और कहती है, शायद मेवाड़ के महाराणा को हमारी शक्तियों का भान नहीं, कोई डर नहीं जो इन घनी अंधेरी रात में इस मार्ग से गुजर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं उस मुगल अकबर से नहीं डरा, मैं वन में खूंखार जानवरों से नहीं डरा, तो तुमसे कैसे डर जाऊं। मैं मेवाड़ का दीवान, मेरे साथ सदैव एकलिंग नाथ रहते हैं, तो भला मुझे किस बात का भय। जब दोनों डायन कहती है, शायद तुझे हमारी शक्तियों पर शक है, क्योंकि तुमने हमारी शक्तियां देखी नहीं, हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तब महाराणा ने कहा, तुम क्या कर सकती हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हें चारपाई पर बिठाकर तुम्हें अकबर के पास ले जा सकती हैं। जब महाराणा को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ तुम्हारी शक्तियों को देखने। तब वो चारों महाराणा को एक चारपाई पर बिठाकर आकाश मार्ग से जहां अकबर ठहरा हुआ होता है वहां लेकर जाती हैं। वो तंत्र मंत्र से वहां की सारी सुरक्षा को चकमा देकर महाराणा को अंदर ले जाती हैं तथा अकबर को मारने को कहती हैं। तो महाराणा ये कहकर मना कर देते हैं कि मैं कायर नहीं हूँ जो सोए हुए पर हमला करूँ। जब वो कहती है कि हम यहाँ आई हैं तो कुछ किए बिना तो नहीं जाने वाली, कोई तो सबूत छोड़कर जाना चाहिए, इसलिए तुम अकबर की एक तरफ की मूछ काटकर अपना चेतावनी भरा पत्र यहाँ छोड़ दो। तब महाराणा उनके कहे अनुसार अकबर की एक तरफ की मूछ काटकर चेतावनी भरे पत्र में ये लिख छोड़ आते हैं, आज तो आधी मूछ जा रही है, अगर मेवाड़ को पाने का सपना नहीं छोड़ा तो युद्ध के मैदान में ये पूरी भी चली जाएगी। फिर वहां से वो पांचों पुनः डाकन कोटड़ा आ जाते हैं। कहते हैं कि इस घटना के बाद उन डाकिनों के स्थान के नाम पर उसी दिन से इस गांव का नाम कोटड़ा से डाकन कोटड़ा हो गया। दोस्तों, आज भी यहां डाकन बावड़ी है और तालाब की वो पुरानी पाल भी। दोस्तों, यही नहीं, इसके बारे में एक और रोचक कहानी है। वीडियो में हमने पहले ही बताया था कि रियासत के समय उदयपुर सलुम्बर मुख्य मार्ग इसी गाँव के अंदर से जाता था, तो उस दौरान संचार का माध्यम केवल डाक ही था। उदयपुर से सलुम्बर जाने वाली डाक तथा सलुम्बर से उदयपुर आने वाली डाक का ठहराव इसी गांव के डाक बंगले में रहता था। आज भी यहां डाक बंगले के अवशेष मौजूद हैं। डाक के ठहराव स्थल होने से इसी गांव का नाम कोटड़ा से डाक कोटड़ा हो गया, जिसका समय के साथ नाम बदलकर डाकन कोटड़ा हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।